विश्व पर्यावरण दिवस पर आज यमुनानगर में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल ने अपने हाथों से पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मंत्री जी ने कहा, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा टारगेट अधिक से अधिक पौधे लगाकर अपनी इस धरती के पर्यावरण को बचाना है और हमारा उद्देश्य विश्व पर्यावरण दिवस पर ऐसी कई जगह पर जैसे शमशान घाट है वहां अधिक से अधिक पौधारोपण करके अपने टारगेट को पूरा करना है। इस अवसर पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए और बड़ी संख्या में कई स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे लिए हानिकारक है, किस प्रकार से इसको कंट्रोल, जहाँ तक एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया है, लेकिन वाटर पोल्यूशन अभी भी काफ़ी है और इस सारे को ठीक करने के लिए जहाँ इंडस्ट्री स्किल से जो की जरूरत है, मरीन जो एयर पोल्यूशन है उसके लिए पेड़ लगाने की जरूरत है, पानी के बचाव की जरूरत है और पानी में गंदगी ना डालने उसकी भी जरूरत है, जो अनट्रीटेड पानी है और नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, इस प्रकार के बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारा कुछ तब हो सकता है जब समाज जागरूक होगा। तो आज की जो रैली है बच्चों की, विशेष रूप से इसलिए है कि समाज में उसका एक मैसेज आए और इसके बाद हमारा कार्यक्रम है 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का कार्यक्रम है, उसमें काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लाए गए और आम आदमी भी जो प्रभावी आदमी है उसको काफ़ी कम बढ़ा है। सर, वन क्षेत्र को बढ़ावा मिले कि लगातार जैसे प्लांटेशन होते हैं, इसमें कुछ लक्ष्य रखते हैं? देखिए, 3 करोड़ का हमारा टारगेट है अगली बार में पेड़ लगाने का। जहाँ हमने पहली बार एक योजना दी थी कि हमने पंचायत की ज़मीन में बाग लगाने का काम किया, ताकि अगर एक बार बार बाग लगता है तो लगभग 50-60 साल 70 साल तक वो सेफ है, यानी कि वहाँ पेड़ कटेगा नहीं, तो उसको हमने किया। अब की बार जो शिवधाम है शमशान घाट, उसको हमने टारगेट किया है, लगभग वो सारे ही खाली है, यानी कि 90% 80% ऐसे शमशान घाट हैं जहाँ पेड़ नहीं है और ज़मीन काफ़ी है। तो अब की बार हमने उसको टारगेट किया है कि सब में हम पेड़ लगाएंगे और हरा भरा उनको बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ उससे लोगों को भी, गाँव के लोगों को भी फायदा होगा, उससे छाया होगी वहाँ और पर्यावरण के लिए लाभदायक। सब पर्यावरण किस तरीके से बचाया जाए, जनता से क्या करें? जनता से तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारी लाइफ लाइन है और अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम स्वयं ही अपना अहित करेंगे। तो पानी को सुरक्षित रखना, उसको ख़राब ना होने देना और अनट्रीटेड पानी वहाँ ना जाए इसका भी, और पेड़ लगाना, अगर पेड़ होंगे तभी मौसम भी ठीक होगा और पर्यावरण भी ठीक होगा और बारिश भी ठीक होगी और जो नीचे का वाटर लेवल है तभी ठीक होगा। तो इसके लिए भी सभी ध्यान देंगे। अब की बार के हमने एजुकेशन में भी इसको लेके आए हैं और हम 9th क्लास का जो बच्चा है उसको पेड़ देंगे।